मैं आपको ये 1 रुपये का सिक्का दिखा रहा हूँ। ये 1 रुपये सिक्के इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली ये 1994 के अंदर में बॉम्बे और नोएडा दो जगह से डाले गए थे। सब 2 मिनट में ये है बॉम्बे और नोएडा। लेकिन हुआ क्या है कि जैसे आपने देखा ये एक म्यूल कॉइन है, म्यूल कॉइन आपको बहुत कम मिलते हैं और आपने शायद ये देखा भी नहीं होगा, आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा इस बारे में। ये म्यूल कॉइन क्या है कि इसके ऊपर कहीं पर भी मिंट मार्क नहीं है। जैसे 1994 के नीचे एक मिंट मार्क होना चाहिए, कोई मिंट मार्क नहीं है। ये बॉम्बे से बना हुआ सिक्का, जैसे जयप्रकाश नारायण का सिक्का है उसमें जैसे विदाउट मिंट मार्क बॉम्बे का जो सिक्का है, वैसे ही ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली 1994 का बॉम्बे का सिक्का है, इसमें मिंट मार्क नहीं होने के कारण एक म्यूल कॉइन हो गया। और इसकी कीमत आप कम से कम जैसे आप ये आपके वैसे जनरल इसकी कीमत 50 रुपये से 100 रुपये है, लेकिन ये एक म्यूल कॉइन होने के कारण इसकी कीमत है। तो आप ये समझो कि जैसे जयप्रकाश नारायण की कीमत है, जैसे जयप्रकाश नारायण की कीमत वैसे इसकी कीमत भी 1500 रुपये के आसपास होनी चाहिए। ये एक म्यूल कॉइन है, इस म्यूल कॉइन को आज तक किसी ने कोई देखा ही नहीं है, कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये है 1 रुपये का इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली। अब देखिए इसमें आप 1994 के नीचे आपको कोई मिंट दिखाई दे रहा है, मिंट नहीं है। मिंट ये कलकत्ता से ये बना नहीं, ये सिर्फ बॉम्बे और नोएडा दो जगह से बना हुआ है, तीसरी जगह से बना ही नहीं, इसलिए ये बॉम्बे का सिक्का है। और जैसे जयप्रकाश नारायण में भी जयप्रकाश नारायण बॉम्बे का जो बिना मिंट का सिक्का है वो 1500-2000 रुपये बिक रहा है, वैसे ये बिना मिंट का सिक्का है, इसलिए इसको म्यूल कॉइन कहते हैं। और आप देखिए अगर म्यूल कॉइन आपके पास ये है तो ये कम से कम 1500 रुपये का म्यूल कॉइन है। और ये आपको मैं आपको दिखा दिया। अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जय हिंद।